बॉस बॉस, मॉडर्न सिटी से दूर आकर आपको फोटोग्राफी की क्या सूझी? मोटो पतलू को मॉडर्न सिटी से हमेशा के लिए आउट करने का खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। जॉन, मोटो पतलू समा जाएंगे क्रोकोडाइल आइलैंड में, अब उनको बचाएगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो और मेरे साथ आओ। चाय वाले, एक कप चाय पिलाओ। हेलो पीपल, मेरे पास एक बढ़िया काम है। क्या काम है सर? ये फोटो देखो, ये क्रोकोडाइल आइलैंड का है। क्रोकोडाइल आइलैंड? ये एक लेक है, लेक में एक आइलैंड है और उसके चारों तरफ क्रोकोडाइल्स है। डोंट बी स्केयर्ड, ये सब क्रोकोडाइल नकली है। इस लेक के ब्यूटिफिकेशन का टेंडर मुझे मिला है। मैं इस काम को आउटसोर्स करना चाहता, जिसके लिए मुझे काबिल लोगों की जरूरत है। ऐसा कोई जो ट्यूब में बैठकर लेक में जाए और सारी झाड़ियों को एक धागे से बांध दे, जिससे सारी झाड़ियाँ एक साथ साइड में निकल आए। जो मेरा काम करेगा, मैं उसको एक दिन का $1,000 दूंगा। क्या? $1,000? हम ये काम जरूर करेंगे। That's so nice. मैं तो सोच रहा था कि किसको ढूंढूं। Come with me. I will show you the site. Motu Patlu, वो रहा Crocodile Island और ये रहा ट्यूब और धागा। मैं आपको एडवांस $500 देता हूँ। नहीं सर, आपने हमें इतना बड़ा काम दिया है, काम होने पर हम पूरे पैसे एक साथ ले लेंगे। आ जाओ। पतलू, सर ने हमें जो फोटो दी है उसमें आइलैंड के पास चार चार क्रोकोडाइल्स दिख रहे हैं, पर अभी तो यहाँ सिर्फ तीन ही क्रोकोडाइल है, बाकी एक कहा गया। हाँ, है तो तीन क्रोकोडाइल, हो सकता है एक स्टैचू पानी में गिर गया होगा। तो तुमने भी क्या वही देखा जो मैंने अभी अभी देखा? एक और क्रोकोडाइल सरक कर पानी में चला गया। बाकी दो क्रोकोडाइल भी पानी के अंदर चले गए। मोटो, ये क्रोकोडाइल स्टैचू नहीं बल्कि असली है, हमें उस फॉरेनर ने फंसा दिया। हेलो मोटू, साफ सफाई का काम कैसा चल रहा है? एक एक झाड़ी निकल जाना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। लेक क्लीन हो ना हो, हम दोनों जरूर क्लीन हो जाएंगे। तुमने हमें क्रोकोडाइल्स के बीच भेज कर फंसा दिया है, कौन हो तुम? जॉन, अब तो तुम दोनों क्रोकोडाइल्स के मुंह में जा कर रहोगे, तुम्हें बचाएंगे। पतलो, हम क्रोकोडाइल के पेट के अंदर जाने वाले हैं। पतलू, पानी में कोई हरकत नहीं है, कहीं क्रोकोडाइल्स हमारे नीचे ही ना हो। मैं अंदर झांक कर देखता हूँ। पतलू, उसने इशारे से मुझसे कहा कि किसने कहा तुमसे? अरे क्रोकोडाइल ने। बदमाश, धोखेबाज,
एक बार बाहर निकलने दो, तुम्हें ही साफ कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जॉन। डॉक्टर झटका, जल्दी आ जाओ प्लीज। अरे भैया, क्रोकोडाइल्स डांस क्यों कर रहे हैं? ओए मोटू मेरे भाई, मेरी यार, जब भी वो किसी को खाने वाले होते हैं तो पहले डांस करके उसे रिस्पेक्ट देते हैं यार। भाइयों रेडी हो जाओ, दो नए शिकार आ रहे हैं। शिकार आया है, बड़ा मजा आएगा, पार्टी मनाएगा। अरे पर भैया, आप तो ये डांस के साथ गाना भी गाने लगे हैं। बाबा मामूनी, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा डांसिंग क्रोकोडाइल्स के बीच में कभी नहीं फंसा। ओए कसम मेरे मरीजों की, दिल तो कह रहा है मोटू पतलू कि तुम दोनों को अभी इसी वक्त यहीं पे कूद डालू। डॉक्टर झटका, वेरी सॉरी, पर हम भी हार नहीं मानेंगे। चिंगम सर, हेल्प, क्रोकोडाइल आइलैंड पर आ जाओ अभी। Hey, why Pierre, when Chingam is here? अरे मामोटू, तुम तो सामने हो, फिर मुझे तुम्हारी आवाज इधर रहा, पीछे से कैसे सुनाई दी? चिंगम सर, पीछे देखो, पता चल जाएगा। ऊपर पहुंचाना था, यहाँ तो पूरी मंडली का इंतजाम हो गया। पकड़ो, जिंदगी के चंद मिनट बचे हैं, तुम जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया, चाय वाले भैया, कोई भी सवाल जवाब मत करना, बस हाल टेक सिटी लेक के किनारे आकर समोसे बनाना शुरू कर दो, जल्दी। Ha ha ha!
काम का बोर्ड नहीं लग सकता। चिंगम सर प्लीज मदद करो, बचाओ ना। अरे पटरो, कितना सुंदर सपना, कितनी बड़ी बटरफ्लाई। अरे तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे नहीं, नाम नहीं, ये मेरा सपना है। नहीं, मैं बटरफ्लाई हूँ, मेरा नाम सपना है। पतलू उठो, पतलू उठो, इतनी बड़ी बटरफ्लाई। अरे मोटू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर देखो। हाय, डरिए मत प्लीज। देखिए, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मदद? कैसी मदद? दरअसल हमारे आइलैंड में एक लिजर्ड घुस आई है। वो एक एक बटरफ्लाई को अपनी जुबान लंबी करके खा जाती है। लेकिन उसमें हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आप कुछ भी करके उस लिजर्ड को हमारे आइलैंड से निकाल दीजिए प्लीज। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू मोटू पतलू। मोटू, हमारे सभी दोस्तों को भी बुलाओ। हेलो बड़े भैया, आप सब जल्दी से यहाँ आ जाओ, हमें कहीं जाना है। चलिए। अरे डरो मत, ये हमारी दोस्त है। हाय। चलिए आइए मेरे पीछे। रेनबो। अरे अरे साथियों, डरो मत, ये मोटू पतलू है, ये लिजर्ड को पकड़कर यहाँ से ले जाएंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उस लिजर्ड को पकड़ के उसे एक डब्बे में डाल के कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मोटू पतलू आ गए हैं। साथियों आगे बढ़ो। मोटू पीछे देखो। आपने मुझे बताया ही नहीं कि लिजर्ड इतनी बड़ी है। लिजर्ड तो इतनी ही बड़ी होती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर छोटी लिजर्ड होती तो हम आपको मदद के लिए क्यों बुलाते? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए? पतलू, बड़े भैया कहाँ हो सब? अरे रे, आप खुद ही तो उनके ऊपर खड़े हो। इतना बड़ा लिजर्ड कभी नहीं देखा यारी। पतलू कुछ सोचो। आइडिया। Yeah!
मम्मी कहा करती थी, इंसान बहुत टेस्टी होते हैं। टेस्टी नहीं होते हैं, टेस्टी नहीं होते हैं। अरे बड़े भैया, आप कैसे बच गए? मोटू मेरे भाई, मेरे यार, मेरे पास फ्लाइंग शूज थे। जब वो हम सबको खींच रही थी तो मैं ये फ्लाइंग शूज पहनकर उसके चंगुल से बच के निकल गया यार ये। अरे हमें भी तो बचाओ। बचाता हूँ। तुमने तो हमें यहाँ फंसा दिया यारी। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं यारी। अपने दोस्तों को आइल से नहीं छोड़ सकते, दोस्त मुसीबत में ही तो काम आते हैं। अरे हटो, लीजेंड कार के ऊपर बैठी है तो दोस्ती याद आ गई। हाँ? नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी यार, अब हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। अच्छा चलो, माफ किया। बटरफ्लाई एक बात बताओ, जब आप लोग उड़ते हो तो नीचे क्यों आती हो? ऊपर ही ऊपर उड़ा करो। हम लोग बहुत देर तक ऊपर नहीं रह सकते हैं, हमें फूलों का रस लेने के लिए नीचे आना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग उसी पर जिंदा रहते हैं। और नीचे लिजर्ड वेट करती रहती है और हमारे साथियों को खा जाती है। अच्छा तो ये बात है, बटलू जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, डॉक्टर झटका, आपके पास जेट व्हील्स है, उसके चारों पैरों में जेट व्हील्स लगा के उसे उड़ा दो। हाँ, एक बार अगर लिजर्ड के पैरों में बांध दो तुम जेट व्हील्स है तो फिर उसे रिमोट से उड़ा देंगे यारी। लीजेंड रानी, अब इस आइलैंड में आराम से रहो। मेरे पापा बोलते थे इंसानों बहुत चालाक होते हैं, इनसे बच के रहना। थैंक यू मोटू जी, पतलू जी, आपने इस लिजर्ड से हम सबको मुक्ति दिलाई है। थैंक यू सो मच। Ah!
अरे रुको, रखो वापस। अरे माँ, ठंडा ठंडा। ये क्या? पाइप बर्फ जैसे क्यों हो गए? वो क्या था? समोसे बहुत टेस्टी है। ये क्या था? ये बेबी मैमोथ कहाँ से आ गया? हेलो, मेरा नाम अप्पू है और मैं आइसलैंड से आया हूँ। मुझे बहुत जोर का जुकाम हो गया है। यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पतलू चलो, इसे बड़े भैया के पास ले चलते हैं। चलो अप्पू, डॉक्टर झटका तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे। चलो। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत ही खतरनाक जुकाम हो गया है। चलो पहले गर्मा गर्म समोसे खा लो, थोड़ा आराम मिलेगा। अरे चाय वाले भैया, देखो तो आइसलैंड से अप्पू आया है। इसे गर्मा गर्म समोसे खिलाओ, चाय पिलाओ, क्योंकि इसे बहुत जोर का जुकाम हो गया है। ये लो अप्पू, गर्मा गर्म समोसे। चाय वाले अंकल, समोसे बहुत अच्छे हैं। अरे मोटू पतलू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे समोसे छोड़ो और यहाँ से भागो, जल्दी भागो। मोटू भैया कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। अरे नहीं, तुम छीन लोगे और हमें आइस का बना दोगे। हाँ। अरे इसीलिए तो डॉक्टर झटका से मिलना है। बताओ तो वो कहाँ मिलेंगे? मोटू भैया प्लीज बताओ ना। तुम हमारे पीछे पीछे आते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। पतलू झुक जाओ, आपको छींकने वाला है। अरे मैं झुकू तुम्हारे आगे? ऐसा हो सकता है? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ओए मुझे बर्फ का बना दिया। मैं मोटू पतलू को छोड़ूंगा नहीं। ओए मोटू पतलू! अरे माँ क्या कह रहे हो? ऐसा क्या? अरे माँ, मेरी मोटरसाइकिल भी आइस की जम गई थी। मुझे लगा किसी ने शरारत की है। जल्दी आओ, मैं दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। आ जाओ। अरे माँ ये क्या? मोटू पतलू, तुम हमेशा भाई एरे क्यों आते हो? क्या करें चिंगम सर, मुसीबत ही कुछ ऐसी है, बॉक्सर भैया ने हमें उड़ा दिया। अरे माँ ये कैसे हो गया? यकीन नहीं होता कि मॉडर्न सिटी में बेबी मैमोथ आया है। एरा पेरी, बाहर जाके देखो। ये क्या हुआ? मोटू भैया आप लोग अंदर हो? मे आई कम इन प्लीज? मेरे यार, आपने भी मोटू पतलू के साथ भाई ये रहना शुरू कर दिया क्या? बड़े भैया, फुरफुरी नगर में बेबी मैमोथ आया है। हम अपना
अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं सुना। ज्यादा हंसो मत, पीछे आ रहा होगा। मोटू भैया, मतलू भैया, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। कोई डरने की बात नहीं है, हम दरवाजा खोलते हैं। उड़ी बाबा, कितना क्यूट बेबी है। आओ अंदर आओ। अच्छा, मार छुटिया पापड़ वाले को, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा यार। ये तो सच में आइस का बन गया। डॉक्टर झटका, मुझे आप ही से मिलना था। मुझे बहुत जोर का जुकाम हो गया है, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे आइसलैंड में बबूला भगत ने बताया था कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर झटका ही ठीक कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अच्छा, अरे क्या करे, अब तो डॉक्टर झटका भी आइस के बन गए। मोटू भैया, अब तो छींक ही नहीं रुक रही है, कुछ समोसे ही खिला दो। ये क्या मोटू पतलू, तुम फिर आ गए? अगर वो प्राचीन जानवर का बच्चा पीछे पीछे आया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ रुक जाओ चाय वाले भैया, पहले डॉक्टर झटका को बता दो कि ये किस्सा है क्या। प्रॉब्लम मुझे पता है, उसे जुकाम है और मैं उसका जुकाम ठीक कर सकता हूँ यार। मोटू भैया कहाँ? अरे क्या मोटू भैया के पीछे पड़े हो? अरे रुको रुको, आप सब कहाँ जा रहे हो? रुको। नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना, हमने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अरे आप लोग मुझे ठीक नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे पहले डॉक्टर झटका तो ठीक हो जाए। तुम दोनों को मैं देख लूंगा, लेकिन पहले यहाँ से मैं भाग रहा हूँ। ओए मेरे पैर, मेरे यार अप्पू, अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम बिल्कुल ठीकोगे नहीं, मैं कुछ एंटीडोट बनाता हूँ। अब मैं इसे चिकन नहीं दूंगा। स्टॉप, चिकना स्टॉप, चिकना नहीं, ए स्टॉप। उसने तो मेरे नारियल भी नहीं छोड़े। अमरे यार, अगर ये स्प्रे को अप्पू इनहेल करेगा तो ठीक हो जाएगा। मोटू भैया, मोटू भैया। अच्छा, अरे नहीं, रुको मोटू भैया, रुको। मोटू भैया कहाँ जा रहे हो? ये देखो मैं ठीक हो गया। क्या कहा? हाँ भैया, मुझे लगता है मैं ठीक हो गया। देखो देखो, बहुत देर से छींक भी नहीं आई है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मोटू भैया, घर जाने से पहले एक बार चाय समोसे खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चाय की दुकान चलते हैं। अब्बू ठीक हो गया है तो अब मोटू पतलू तुमसे पुराना हिसाब चुकता करना है। लेकिन बॉक्सर भैया, हिसाब क्या चुकता करोगे? रुको, अब्बू को बुलाता हूँ। अब्बू
अरे अप्पू को क्यों बुलाया? नहीं, ओए, ओए, पापा! कट! बचाओ, बचाओ! पतलू, मुझे एक्टर बनना है। मैं भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। टॉलीवुड की पिक्चर्स में बहुत डिसिप्लिन होता है, इसमें काम करने में बहुत मजा आता है। अरे मोटू, ये टॉलीवुड की पिक्चर्स है, इसमें तुम्हें वो लोग एक्टिंग करने का मौका नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं देंगे, मैं इनको प्रूफ कर दूंगा कि आई एम ए गुड एक्टर। ओ मेरे भाई, मेरी यार, कैसे मेरी मर्जियों की, तू ये एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर छोड़ो यार। नहीं नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं एक्टर बन के रहूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा। कुछ दिख नहीं रहा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मैं डायरेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अरे फिल्म की कास्टिंग हो चुकी है, अब कोई रोल नहीं है, जाओ। अरे कैसे नहीं है, मुझे डायरेक्टर साहब से मिलना ही है। ए, हटो। अब वहीं रहो, अंदर नहीं आना। बस हो गया, अब चले। नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं तो डायरेक्टर साहब से मिलकर ही रहूंगा। अरे यार, इसको क्या हो गया, देखो वो क्यों रो रहा है। मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा रे, वही तो मेरे जीने का सहारा था। अब मैं क्या करूं, कोई तो मुझे बताए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मैं अपने दोस्त के बिना जी नहीं सकता रे। कुछ हो गया, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे ये सब क्या हो रहा है, शूटिंग के समय ये सब, इतना पैसा शूटिंग में लगा है, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आ, तुम सबको तो समझ में आता नहीं है, अरे इसको अंदर कौन आने दिया? क्यों, कैसी थी मेरी एक्टिंग? डायरेक्टर साहब, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, क्या आप मुझे आपकी फिल्म में काम देंगे? फिर आ गया। एक्टिंग, अब घर चलो। नहीं नहीं, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग का नमूना दिया है, शायद उनको इमोशनल एक्टर नहीं चाहिए, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। मैं उनको एक्शन एक्टर बनकर दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कौन है? अरे ये कौन आ गया शूटिंग के बीच में, भगाओ इसे। कौन है वो, पकड़ो पकड़ो उसे। आईश, आईश। कम कम। वाह, क्या फाइटिंग कर रहा है, वाह वाह, मजा आ गया। क्यों डायरेक्टर साहब, कैसा लगा, क्या आप मुझे रोल देंगे ना? अरे तुम तो वही हो ना, आपने मेरा एक्शन देख लिया, अब आप मुझे एक्शन एक्टर का रोल दे ही दीजिए। सिक्योरिटी, बस बहुत हो गया मोटू, बहुत हो गया तुम्हारे नाटक, अब तुम चलते हो या फिर मैं अकेला ही चला जाऊं, वरना ये लोग मुझे भी तुम्हारे साथ पीट देंगे। साहब, आप इसके दोस्त हैं क्या?
इसको समझाइए। सारे रोल हो चुके हैं, अब इनको कोई रोल नहीं दे सकते हम लोग। आइए आप ही डायरेक्टर साहब से बात कीजिए, आइए। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम कोई हरकत मत करना। ओ मेरे भाई, मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, इतना बड़ा डायरेक्टर बुला रहा है, मैं भी आता हूँ यारी। मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैं इतना बड़ा डायरेक्टर से कभी नहीं मिला, मैं भी आता हूँ। तुम्हें कानून की कसम, रुको। आइए आइए। हेलो डायरेक्टर सर। आइए आइए, आप उस आदमी के दोस्त हैं ना? जरा एक मिनट। सुबह दिमाग खराब करके रखा है, शूट नहीं करते देना, मेरा काम खत्म हो रहा है। क्या हुआ? उन्होंने मुझे समझा दिया है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं समझाया तो वो मुझे समझा देंगे। पतलू, ये तो गलत बात है, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब कौन सा रोल है? कॉमेडी बची है। पतलू, वो देखो गोरिल्ला की केज है, वहीं जाकर कुछ कॉमेडी करते हैं। अरे बचाओ, बचाओ। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग है, मेरी तो आंखें भर आई। How are you, my friend? Hey! पुलिस बुलाओ, आर्मी बुलाओ, इन दोनों को बाहर भगाओ। पतलू बचाओ, तो मुझे तू फंसा दिया। अरे बचाओ रे भैया को, इला से बचाओ। गिर रहा है, भागो बच्चों, भागो। अरे भाई टावर गिर रहा है। रम्मी, मैं जा रहा हूँ। I'm so sorry. Please help. कोई तो बचाओ। पतलू क्या करूँ, क्या करूँ? टावर गिर रही है, हीरोइन उसके अंदर फंसी है, कुछ सोचो। आइडिया, मोटू इसे पकड़ो जल्दी। पकड़ा। मोटू, तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में किसी को भी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। ओ मेरे भाई, मेरे यार, मैं तो बहुत डर गया था। अरे थैंक यू वेरी मच, आप तो कमाल के हैं, कितने बहादुर हैं। और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोटू है। क्या शॉट रेडी है? शॉट रेडी है? कोई शॉट वॉट नहीं रेडी है। तुम जैसी डरपोक हीरो के साथ मुझे कोई फिल्म नहीं करनी है।
चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। मुझे फिल्म में ऐसा हीरो चाहिए जो रियल लाइफ में भी हीरो हो, जैसे ये मोटू जी। भाई साहब, आपके चरण कहाँ है? छू लेने दो। कहाँ गया? आप सब कुछ कर लेते हो, ऑल इन वन हो। डायरेक्टर साहब, आई थिंक यू शुड टेक मोटू जी फॉर हीरोज रोल, ही इज द रियल हीरो। व्हाट्स ही? आई थिंक यू आर राइट, हमें ऐसा ही हीरो चाहिए जो सब तरह की एक्टिंग कर सकता हो, जो एक्शन कर सकता हो, कॉमेडी कर सकता हो, डायरेक्शन कर सकता हो। सॉरी, ऐसे में तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल सही बोलते हो मोटू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर तुम एक्टिंग करने आए थे और हीरो का रोल तुम्हें मिल ही गया, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जय हो! अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।